नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है AIMA UGAT 2022 नोटिफिकेशन। AIMA UGAT एंट्रेंस एग्जाम होता है डिफरेंट UG कोर्सेज के लिए, तो आज मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा आपको, पूरी नोटिफिकेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी एसेट। सबसे पहले AIMA UGAT की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए AIMA स्टैंड फॉर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट या अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको आप बोल सकते हैं, और ये कंडक्ट कराया जाता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा। इसमें वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं जैसे BBA, BCA, BBM, BCom, BSc IT, इंटीग्रेटेड BBN MBA, BHM एसेट्रा। तो ये सभी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ AIMA UGAT 2022। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 23rd December 2021। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 17 June 2022। एडमिट कार्ड जो रिलीज होंगे 18th April 2022 को। देखिए एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं और एडमिट कार्ड उनके लिए रिलीज है जिन्होंने अभी तक फॉर्म भर चुका है, और जो फॉर्म भरते रहेंगे उनके लिए भी एडमिट कार्ड रिलीज होते रहेंगे। एग्जाम डेट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 17 जून के बाद एग्जाम होगा इसका, तो जून में टेंटेटिव डेट है एग्जाम। रिजल्ट अनाउंस होगा 4th week of July और काउंसलिंग 2nd week of August में स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ AIMA UGAT 2022। कंडक्टिंग बॉडी है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसमें मोड जो है टेस्ट के वो दो होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। एग्जाम साल में एक बार होता है, एक नेशनल लेवल एग्जाम है। वेबसाइट जो है जहाँ पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं वो है AIMA.in। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 2 hours। देखिए कुछ के लिए 2 hours है, कुछ के लिए 3 hours है, वो आपको बता दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है अपेयर्ड और अपेयरिंग क्लास 12 दिस ईयर 2022 में, या तो आप जो है एग्जाम देंगे या एग्जाम पास आउट कर चुके हैं क्लास 12 का। कोर्सेज ऑफर BBA, BCA, इंटीग्रेटेड MBA, BHM, BCom, etc. AIMA UGAT 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपका जो रिकॉग्नाइज बोर्ड से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और दोज कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट हु आर अपीयरिंग फॉर क्लास 12 आर आल्सो एलिजिबल इन दिस एग्जाम। कैंडिडेट की जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए जब वो एग्जाम अपेयर कर रहा हो। इसमें ₹750 की फीस होती है। आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग किसी से भी आप पे कर सकते हैं। AIMA UGAT एग्जाम पैटर्न, देखिए मैं इसमें एग्जाम पैटर्न दो टाइप के होते हैं, मैं आपको दोनों टाइप के बताऊंगा। मोड ऑफ एग्जाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। एग्जाम ड्यूरेशन 2 hours फॉर BBA, BCA, इंटीग्रेटेड MBA एसेट्रा, जितने भी कोर्सेज है BCom के लिए भी 2 hours का एग्जाम होता है इसमें। और 3 hours का एग्जाम होता है होटल मैनेजमेंट के लिए। मार्किंग स्कीम है, नो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर। मीडियम ऑफ लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी। टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 180 क्वेश्चंस फॉर होटल मैनेजमेंट एंड 130 क्वेश्चंस फॉर अदर। तो इसमें मैं दोनों आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, होटल मैनेजमेंट और अदर कोर्सेज के लिए ऑल्सो। एग्जाम पैटर्न विल बी फॉर IMBA, इंटीग्रेटेड MBA, BCA, BBA एंड BCom, उनके लिए एग्जाम पैटर्न है। 130 क्वेश्चन है, नो नेगेटिव मार्किंग, 1 question carry 1 marks। सो इसमें सेक्शन है वो जनरली 4 sections आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 40 marks, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा एनालिसिस 30 questions or 30 marks, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 questions 30 marks, एंड जनरल नॉलेज 30 questions and 30 marks। सो टोटल में आपको 130 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और 130 मार्क्स का होता है, और 2 hours आपको दिए जाते हैं इस एग्जाम के, जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं। एग्जाम पैटर्न फॉर BHM, अब बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है BBA और BCA के, जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम पैटर्न बताया। इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मार्क्स का होता है, 3 hours का पेपर होता है। सो इसमें सेक्शंस आते हैं, जनरल इंग्लिश 40 questions 40 marks, न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस 30 questions 30 marks, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 questions 30 marks, जनरल नॉलेज 30 questions 30 marks, सर्विस एप्टीट्यूड जो होटल मैनेजमेंट रिलेटेड है 25 questions 25 marks, साइंटिफिक एप्टीट्यूड 25 questions 25 marks, साइंस जनरल साइंस से रिलेटेड। सो आपके जो टोटल है वो 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स इन 3 hours, 1 question carry 1 marks एंड नो नेगेटिव मार्क्स। अब है IMA UGAT 2022 सिलेबस। इस सिलेबस क्या होता है, तो मैं आपको सिलेबस ही बताऊंगा। इसके अंदर जनरली 4 sections होते हैं,
चारों सेक्शन का सिलेबस बताऊंगा। वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच सेक्शन। इंग्लिश और जर्नल इंग्लिश, इसमें होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके वर्बल रीजनिंग, सेंटेंस कंप्लीटेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉन्टेक्स्ट यूसेज, सेंटेंस करेक्शन, आइडियम एंड फ्रेजेस, एनालॉजी, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, पैरा जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे जो है जर्नल इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नाउ न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस। सो मैथमेटिक्स जनरली, इसमें होती है ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एससीएफ एंड एलसीएम, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, डिस्टेंस एंड टाइम। अब है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, पाई चार्ट, पजल, अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ग्राफ, सीरीज, ब्लड रिलेशन एंड फैमिली ट्री, क्रिटिकल रीजनिंग, कैलेंडर, सेलोलिज्म, सेंटेंस कंक्लूजन एक्सेट्रा। अब है इसके अंदर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, फेमस पर्सनैलिटी, बिजनेस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर बीबीए, बीसीए, बीकॉम, होटल मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड एमबीए एक्सेट्रा। तो सभी कोर्सेज के लिए आपका सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हाउ टू प्रिपेयर, देखिए अब आता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएमए यूजीएटी 2022। देखिए इसके लिए आपको जो है वो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको कौन सा सेक्शन करना है, कितना टाइम डिवोट करना है उस सेक्शन को। आपको जनरल इंग्लिश जो है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा वेटेज है उसकी। आपकी जनरल इंग्लिश आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ के स्ट्रांग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, न्यू वर्ड सीखेंगे आप, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड आपकी जो करंट अफेयर है वो इंप्रूव होगी। तो न्यूज़पेपर डेली आप हैबिट डालेगी, 1 आवर पढ़िए, उसके अलावा एक स्टडी प्लान बनाइए, मिनिमम 8 आवर्स का एक स्टडी प्लान बनाइए, उसमें एक ब्रेक दीजिए हर 2 घंटे बाद, हर 1.5 घंटे बाद, जैसा आपको सुटेबल लगता है कि आपको पढ़ना है। उसके बाद आप सेक्शन वाइज जरूर पढ़िए, आप हर सेक्शन को इक्वल टाइम दीजिए, जैसे मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, आप सबको इक्वल टाइम दीजिए, बिकॉज आप हर सेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए तभी आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाए। आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद भी लेनी है, आप योगा भी कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे, नहीं तो माइंड आपका डल हो जाएगा। सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, रिविजन नोट्स बनाइए, लास्ट में जब एग्जाम को 10 दिन बचेंगे तो रिवीजन नोट्स से आप पढ़िए, आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने तो आप easylearningindia.com पे जाके टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छे लगे तो आप परचेज कर सकते हैं वहां से। सो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट easylearningindia एंड ऑल्सो यू कैन बाय अवर ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन क्लासेस कोर्स जो है हमारा, उसमें आपको क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, रिवीजन नोट्स, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, पॉडकास्ट, वीडियोस, बुक्स, ये सब कुछ मिलेगा। तो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट easylearningindia.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू मेनी पीपल, सभी क्लास 11, 12 के लोगों को शेयर कीजिए, प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, एंड हिट द बेल आइकन, जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है क्लास 11, 12 या अभी जस्ट जो भी एंट्रेंस होने वाले, सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप इस चैनल पर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।